नमस्कार, आप है एलआर भारत के साथ, मैं हूं ट्विंकल। शनिवार को गांधी मैदान स्थित मगध महिला कॉलेज में वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बताते चले कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने किया। वहीं इस मौके पर कई तरह के खेल के आयोजन भी किए गए, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बता दें कि इस मौके पर बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने छात्राओं को खेल में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जिन खेल मैदानों की स्थिति सही नहीं है, उन्हें और अच्छा किया जाएगा। खेल की स्थिति नहीं अगर ठीक होती तो हमारे बच्चे कैसे नेशनल इंटरनेशनल जाते, इसलिए उसमें और भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन हमारा खेल का जो स्थिति है बिहार की अच्छी है, और उसे और अच्छे बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कई सारे ग्राउंड हैं जो हैं यहाँ, लेकिन वो करेंगे काम, कोरोना के कारण इधर नहीं हुआ है, कोरोना के बाद हम करेंगे, प्लानिंग है करने का करेंगे। यहाँ ये छात्राओं को किस तरीके से निश्चित रूप से मैं शुभकामना दूंगी कि और आगे खेले, नेशनल इंटरनेशनल में बिहार का नाम कमाए, आगे बढ़े, यही हमारी सबसे बड़ी शुभकामना है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एलआर भारत के साथ। नमस्कार।